वर्गो, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं कन्या राशि वर्गो साइन के लिए। मैं इस हफ्ते की जो वीकली रीडिंग्स है उसके लिए अपना हैंडमेड डेक यूज करने वाली हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कन्या राशि वर्गो साइन, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। चलिए आपका पहला कार्ड देखते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स। सी, यहां पर ना जिसका भी आपको इंतजार है और जिसके उस इंतजार में जो ब्रेक लगी हुई थी, वो स्टक एनर्जी थी, उसमें मूवमेंट है यहाँ पर। अगर किसी के मैसेज का इंतजार है तो मैसेज मिलेगा, अगर किसी के फोन का इंतजार है तो फोन कॉल आएगा, अगर अतीत से किसी शख्स को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो वापस आ सकता है। यहाँ पर गति है, प्रगति, आगे बढ़ना, क्योंकि फिर वो स्टक एनर्जी जब तक है ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन वो जो भी स्टक एनर्जी है उसे रिमूव करने के लिए एक समाधान, एक सोल्यूशन आपके जीवन में इस हफ्ते आ सकता है। ऑब्वियसली ये ट्रैवल का कार्ड है, हमें ट्रैवल के बारे में, लेकिन कुछ लोगों के लिए मेंटल भी हो सकती है, क्योंकि वो स्टक एनर्जी में फंसे हुए थे, लेकिन फिर वो कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आया जिसकी वजह से उस थॉट से निकलकर आपके पास एक नया थॉट, एक नया एक्सपीरियंस है जिसको अब आप जी रहे हैं, जो कि अच्छा है और बेहतर एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो पहला संदेश आपके लिए, कुछ ना कुछ आपकी तरफ बढ़ रहा है यहाँ पर। दूसरा है एट ऑफ सोर्स, लुक हग्स। सी, मैंने कहा ना, आराम, सोल्यूशन, ऐसी एनर्जी जो आपको भी स्टेबल होने में आपकी मदद करेगी। अगर आप थोड़े से उसमें रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, जहां पर वो हाई लो चल रहा है, मूड स्विंग्स चल रहे हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको जैसे एक कंधा, एक सहारा दिया जाएगा कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ अपनी कोई भी बात शेयर कर सकते हो, कोई अपना दिल का जो हाल है ना किसी को सुना सकता है, या कोई आपसे कह सकता है कि हाँ मुझे तुम्हारी जरूरत है। किसी दूसरे की भी एनर्जी हो सकती है। मैं एक बात यहाँ पर ये मेंशन जरूर करना चाहूंगी, ये जो भी शख्स है इसके साथ आपका दिल का रिश्ता है, जिस अंदाज में एक दूसरे को गले लग रहे हैं ना, देखो ना उनके चेहरे पर भी, जैसे वो एक दूसरे के दर्द को समझते हैं। अगर कोई आपको, अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगी, वो शख्स भी आपको मिस कर रहा है, क्योंकि इन दोनों के चेहरे, दोनों के ना चेहरे जैसे एक ही तरह के हाव भाव है, तो भावना एक किस्म की है। तो यहाँ पर हग्स लिखा हुआ है, आई लाइक वार्म हग्स, तो यहाँ पर डेफिनेटली क्वालिटी टाइम है। टी डेट हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कॉफी डेट हो सकती है, लेकिन ये जो भी नज़ारा आपके जीवन में आ रहा है, ये आपको आराम देगा। जरूरी भी नहीं है कि हर शख्स प्यार के लिए इस रीडिंग को देख रहा है, आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आराम है। अगर आप सिर्फ इस हल्की सी लाइन को समझ लेना कि उसमें आराम, जो भी तकलीफ है उसमें आराम, मेंटल प्रॉब्लम थे, स्ट्रेस में थे, फिक्र में जी रहे थे, तो ईश्वर ये व्हाइट लाइट कोई ऐसा चमत्कार कर सकती है कि उस प्रॉब्लम से ना आपको निजात मिल जाए, उससे आराम मिल जाए आपको। आप में से कुछ लोगों के लिए पायल, एंकलेट्स जो है वो मुझे मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ रही है, या तो आपको तोहफा मिल सकता है, या आप खुद अपने आप को पैम्पर करने के लिए जो पायल है ना, मुझे पायल बहुत ज़्यादा वो दिखा रहे हैं, तो पायल जो है आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकती है। ठीक है, वाह, लुक द मैजिशियन, यू अमेज मी। आप में से कुछ लोग ट्रांसफॉर्मेशन में से निकलने वाले हैं इस हफ्ते। ट्रांसफॉर्मेशन ये फिजिकल होगी, इनर वर्क हो सकता है कुछ लोगों का, क्योंकि मैंने पहले कहा मेंटल ट्रैवल भी है, लेकिन मुझे यहाँ पर जैसे फिजिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें हम अपने बालों को एकदम से कलर कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, हम वेट लॉस किया है तो एकदम से हमारा ड्रेसिंग सेंस जो है, हमारी वार्डरोब को हम बिल्कुल चेंज कर देते हैं, वो ड्रास्टिक चेंज जो होता है, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर मैजिशियन से मुझे ऐसा लग रहा है, और यहाँ पर लिखा है यू अमेज मी, तो आप लोगों को जो आपके इर्द गिर्द हैं उन्हें भी हैरान करने वाले हैं, उन्हें भी नहीं यकीन होगा कि आपने इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को इस हफ्ते मिलेंगे जिनसे आपकी बहुत लंबे समय तक मुलाकात नहीं हुई, बहुत लंबे समय तक आपकी इनसे बात नहीं हुई, बहुत लंबे समय तक इन्होंने आपको देखा नहीं, आपने उन्हें नहीं देखा, लेकिन जब आप मिलेंगे तो ये शख्स, मतलब
हैरान रह जाएगा जिस तरीके से आप बन गए हैं, जिस तरीके से आप आपकी बॉडी लैंग्वेज, कुछ ना कुछ यहाँ पर बहुत मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है। या तो आपके आई डोंट नो मुझे फेस आई थिंक क्या तो आप अपनी स्किन पर काम कर रहे थे या कुछ ना कुछ आपके स्किन को लेकर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हैरान कर देने वाली ऊर्जा, ऑब्वियसली ये मैनिफेस्टेशन के बारे में भी बात करती है कि कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करना इंटेंशन सेट करके। तो यहाँ पर ये जो एट ऑफ सोल्स है जिसपे मुझे लग रहा है कि आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली मुझे वो ब्लेसिंग जो है वो मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। My God, you guys, कन्या राशि की तो लॉटरी, हाँ, you're my favorite, Ace of Cups. यहाँ तो रेनबो आ गया ना, टेन ऑफ कप्स की ऊर्जा और सन कार्ड की भी ऊर्जा है यहाँ पर। मैं सच कह रही हूँ, आपका यह हफ्ता बहुत खूबसूरत जाने वाला है। आराम है, सॉल्यूशंस है यहाँ पर, दिल का इजहार है, कॉम्प्लीमेंट्स तो भरे पड़े हैं आपकी अभी तक के स्प्रेड में। मतलब इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, मत शर्माओगे, वो ब्लश करना होता है ना, आप ब्लश करोगे। वो इस हफ्ते आपको ना लड़कियों को खास करके वो मेकअप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो गाल वैसे ही लाल रहेंगे, यू नो, वो ब्लश की नेचुरली ब्लश करोगे। सो यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली ऑफर है, लव ऑफर है यहाँ पर, लव ऑफर इन द सेंस, ये बहुत ही पवित्र ऊर्जा होती है एस ऑफ कप्स की। तो मुझे यहाँ पर ये जो भी शख्स है इसकी इंटेंशन पर मुझे तो शक नहीं है। हालांकि आपको पता होगा बेहतर आप किससे कैसे शख्स के साथ डील करें, लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये शख्स जो है इसकी इंटेंशन साफ है, ये मौका देना चाहता है। मुझे यहाँ पर कोई बहुत गहरा प्यार नहीं लग रहा, लेकिन ये शख्स मौका देना चाहता है और लेना चाहता है कि हाँ चलो ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, अब फिर देखते हैं कि ये रिश्ता कहां तक पहुंच सकता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। जल्दबाजी नहीं करनी, करनी चाहिए भी नहीं किसी रिलेशनशिप में। थोड़ा मौका दो, थोड़ी स्पेस दो, थोड़ा समझो एक दूसरे को और फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। बेबी स्टेप्स लेने चाहिए, आजकल के तो जो प्यार है ना उसमें तो डेफिनेटली वो बेबी स्टेप्स ही लेकर चलना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे वही होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रेगनेंसी है क्योंकि सन कार्ड की ऊर्जा और टेन ऑफ कप्स की ऊर्जा तो फैमिली के बारे में संकेत देती है। तो जो लोग भी प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हों, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुझे यहाँ पर आपके लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए प्रमोशन या जॉब है। सन मेरे लिए हमेशा ऐसी खबर लेकर आता है जो कि अच्छे कर्मों का फल होता है हमारे लिए, राइट? तो यहाँ पर डेफिनेटली किसी ने मेहनत लगाई थी, उसकी मेहनत का फल तो यहाँ पर करियर में भी मुझे आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ रही है। या तो धन मैनिफेस्ट होगा या प्रमोशन या फिर नई जॉब भी मैनिफेस्ट हो सकती है। यहाँ पर फल बहुत है, यहाँ पर फ्रूट्स बहुत है, जमीन से जुड़ी हुई ऊर्जा नाइन ऑफ पेंटिकल की। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी ये जो जॉब है ना, ये कुछ ना कुछ ज़मीन से जुड़ी हुई है। मतलब ये ज़मीन और एग्रीकल्चर, फार्मर्स या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो उनके लिए बनाई जाती है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर ज़मीन से जुड़ा। मुझे नहीं पता, प्रॉपर्टी के बारे में भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ है यहाँ पर, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। फोर ऑफ वांड्स, माय गॉड, सी यहाँ पर मैरिज है, आई एम स्टिकिंग विद यू। फोर ऑफ वांड्स मतलब शादी, मैंने तो इस कार्ड के साथ ही कह दिया कि टेन ऑफ कप्स में फैमिली की ऊर्जा है और एस ऑफ कप्स और फोर ऑफ वांड्स और मैजिशियन, मतलब ये तो लिटरली मैरिज हो गई ना, ये मैरिज है यहाँ पर, कि कोई मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहा है और वो हो भी रही है मैरिज मैनिफेस्ट। तो आप में से ये जो नया ऑफर है ना, कुछ लोगों के लिए शादी का प्रस्ताव है। मुझे यहाँ पर ये अरेंज्ड मैरिज लग रही है। जो लोग लव मैरिज के इंतजार में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बातचीत कर सकते हैं अपने परिवार में, अपने घर में, और आपकी पुकार को, आपकी बात को सुना जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा आपकी बात सुनी जा रही है। लेकिन अभी मुझे वो इनिशिएट होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि जहाँ पर आप आपके परिवार में, लेकिन बातचीत कर सकते हैं आप अपने परिवार में। लेकिन जो लोग अरेंज मैरिज के सोच रहे हैं, आपको डेफिनेटली यहाँ पर प्रस्ताव आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए वीज़ा अप्रूवल भी है, क्योंकि ये मुझे एकदम से वीज़ा अप्रूवल भी इससे नजर आता है। वीज़ा अप्रूवल भी हो सकता है किसी का। एस ऑफ वांड्स, माय गॉड, वर्गो, इस हफ्ते लूट लिया आपने। ये मैं पहली रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ इस हफ्ते की जो साप्ताहिक राशिफल है, और कमाल की ऊर्जा, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से वो पूरी ऊर्जा बरकरार रहे, मैं ऐसी कामना करती हूँ। वन स्वीट कुकी ओनली फॉर यू,
न्यू बिगनिंग्स। किस में इंस्पिरेशन चाहिए, नया रिलेशनशिप चाहिए या पुराना रिलेशनशिप है उसमें सुधार चाहिए, हेल्थ में सुधार चाहिए आपको, करियर में सुधार चाहिए, जिसमें भी चाहिए उसमें आपको न्यू बिगनिंग जो है वो देखने को मिलेगी इस हफ्ते। एक नई उमंग, एक नई चाह है, और ये सिर्फ मैजिक नहीं हो रहा, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके भी एफर्ट्स हैं वर्गो, आपने भी कोशिश की है चीज़ों को बदलने की, अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। यहाँ पर सेल्फ लव की भी ऊर्जा है, उसकी वजह से मैनिफेस्टेशन, तो मतलब वो आग लगा दी किसी ने मैनिफेस्टेशन की वजह से, तो यहाँ पर डेफिनेटली ना आपका भी हार्ड वर्क है जिसकी वजह से आपको जो है वो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो एस ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली न्यू बिगनिंग के बारे में, और दो एसेस हैं तो नंबर 11 बन जाता है। नंबर 11 होता है आर्कएंजल माइकल का। तो इस हफ्ते मैं आपको सलाह दूंगी कि एंजल नंबर्स पर खास करके ध्यान देना, क्योंकि आर्कएंजल माइकल को बहुत पसंद है नंबर्स के थ्रू बात करना, यू नो, खास करके 11 11, कुछ लोगों के लिए 9 11 भी हो सकता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको एंजल नंबर्स पर भी ध्यान देना है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक्स हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स मेरे लिए अतीत की ऊर्जा, यू नो, अतीत से कोई वापस आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि लिखा हुआ है गिल्टी। इस शख्स ने जो भी गलती की है अतीत में, आपका दिल दुखाया है या कुछ भी किया है, ये शख्स माफ़ी मांगेगा। ये शख्स शर्मिंदा है, एम्बैरेस्ड है, अपनी गलती की माफ़ी मांगेगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं किसी एक्स का वापस आए और आपकी सुलह हो जाए तो ठीक है, आपके पास वो चॉइस है, आपकी फ्री विल है। जो लोग नहीं चाहते तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर ये शख्स आपसे माफ़ी मांगे, आप माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप मौका नहीं भी देना चाहते तब भी कोई बात नहीं, लेकिन माफ़ ज़रूर करना, क्योंकि ये आपके लिए न्यू बिगनिंग होगी। क्योंकि जहाँ पर माफ़, वहाँ पर क्लैरिटी, वहाँ पर लेट गो, वहाँ पर नई दिशा, वहां पर सूरज की ओर बढ़ना, एक नई उमंग, एक नया सपना सजाना और उसको फलाभूत भी करना, जिसे कहते हैं ना, उसे पूरा करना। तो यहाँ पर डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है घाव को मरहम लगाने की, घाव को भरने की, अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको वही करना है। लास्ट कार्ड है आपका द मून, यहाँ पर पाइसिस की ऊर्जा, आई लव यू टू द मून एंड बैक। सी, यहाँ पर डेफिनेटली बहुत खूबसूरत हफ्ता, माने कॉम्प्लीमेंट से भरा हुआ, कोई इजहार करेगा, कोई इकरार करेगा, आप अपनी तरफ से कोई खुशखबरी की, हाँ मेरे करियर में ये तरक्की हो रही है, मैंने ये कर दिखाया, मेरे अंदर ये गुण है, यू नो, कभी कभी हम अपने हिडन टैलेंट्स को भी पहचानते हैं जब मून कार्ड की ऊर्जा आती है, तो आप कोई अपना हिडन टैलेंट भी पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर खुशियाँ हैं और आप उसका स्वागत कर रहे हैं, आप दूसरों को बांट भी रहे हैं क्योंकि आप अपनी खुशियाँ शेयर भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने अतीत को भी मरहम कर रहे हैं, जो उसमें दर्द है उसके ऊपर मरहम पट्टी कर रहे हैं। तो बहुत 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 मुबारक हो। यहाँ पर जैसे कोई अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, हालांकि मून की ऊर्जा होती है हिडन, लेकिन इस कार्ड में, इस डेक में इसकी ऊर्जा बिल्कुल ऑपोजिट है, जहाँ पर हम इजहार कर रहे हैं कि हाँ तुम मेरे लिए क्यों मायने रखते हो, मैं तुमसे क्यों प्यार करता हूँ। तो वो सब बातें, वो सारे इजहार जो हैं वो बता सकते हैं आप इस हफ्ते की रीडिंग, इस हफ्ते में या तो आप बता सकते हैं या कोई आपको कह सकता है, ठीक है। इस हफ्ते मैंने ये रेड व्हील भी यूज़ करने का सोचा है, मैं सिर्फ गाइडेंस के लिए लूँगी इसे। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। कन्या राशि, वर्गो साइन, थैंक यू वेरी मच कन्या राशि, थैंक यू। ये अपना समय लेता है मेरी जान, तो थोड़ा सब्र बनाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच कन्या राशि, वर्गो साइन, थैंक यू। Thank you. Thank you. आपके लिए है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो यहाँ पर ना मेडिटेशन का भाव भी है कि आपको मेडिटेशन करनी है, आपको इस सिचुएशन है जिसे अगर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेडिटेशन ही जो उसका जवाब आपको दे सकती है, माने कि वो जो पॉजिटिव आउटकम जिसका आप इंतज़ार में हैं, मेडिटेशन करके आप उसे पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर प्रभात का समय आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, अगेन क्योंकि सूरज की ऊर्जा है। तो प्रभात के समय अगर आप इस
हफ्ते मेडिटेशन करते हैं, आपका अगर जाप करते हैं कोई, या आपका जो भी रूटीन है आरती करने का, या जिस भी धर्म से हैं आप, जो भी आपका रूटीन है उसे कीजिए, उससे डेफिनेटली आपके दिल को भी आराम मिलेगा, आप कुछ ब्लेसिंग्स को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर रीडिंग है कन्या राशि के लिए। मैं बहुत सच में खुश हूँ कि मैंने आपकी आपकी रीडिंग से इसका आगाज़ किया, इस हफ्ते की रीडिंग का। वो ऊर्जा जुड़ जाती है, वो काम करने में भी मज़ा आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी वजह से मुझे इतनी सुंदर एनर्जी को रीड करने का मौका मिला। और या अब मैं चलती हूँ, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।